हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक टिप नाउ। दोस्तों, आज जो है मैं आपको प्रोग्राम बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट टू डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ एरे यूजिंग व्हाट पॉइंटर। तो एरे बनाएंगे, उसकी कंटेंट को पॉइंटर के थ्रू हम डिस्प्ले करने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैं तीन तरीके से आपको अलग अलग तरीके से बताऊँगा, सो दैट आपको पॉइंटर अरिथमेटिक का भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एक एरे ले लेता हूँ, इसका साइज़ मैंने दे दिया 5। नाउ मैं क्या करता हूँ कि चलो एक्सेप्ट बाद में कर लूँगा और एक पॉइंटर ले लेता हूँ, दैट इज़ स्टार पी। सो मैंने यहाँ पे बोला सी आउट व्हाट योर एंटर 5 व्हाट नंबर्स, राइट। सो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, आप चाहो तो लूप ले लो, ठीक है। मैंने ले लिया आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन व्हाट 5, देन आई प्लस प्लस। नाउ आफ्टर दिस मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी इन व्हाट योर एक्स आई, राइट। अब मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि भाई पी में एक पहला जो तरीका है, पी इक्वल टू क्या कर दो आप, एक्स कर दो, दैट्स इट। अब मैं क्या करता हूँ, डिस्प्ले करता हूँ वाया पॉइंटर। सो व्हाट विल आई डू कि मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपका सी आउट, यहाँ पे मैंने बोला द नंबर्स आर, ओके। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्या, एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे सीधे यहाँ पे फिर से आई को 0 से स्टार्ट करूँ और आई इज लेस देन 5 करूँ और आई प्लस प्लस कर देता हूँ। देन आफ्टर इसके बाद में मैं यहाँ से अगला जो काम शुरू करूँगा, दैट इज़ सी आउट, दैट इज़ पहले तो नॉर्मल मैं आई के थ्रू करता हूँ प्रिंट, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सो मैं कंपाइल एंड रन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं क्या होता है। तो इट इज़ आस्किंग फॉर 12 नंबर 12, 23, 34, 45, 56। सो यू कैन सी 12, 23, 34, 45, 56, एवरी नंबर्स आर डिस्प्लेइंग। सो इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली। तो नाउ आई वॉन्ट टू डिस्प्ले वॉट दिस नंबर्स वाया पॉइंटर, सो आई विल राइट दिस स्टार पी एंड आफ्टर दिस आई कैन से पी प्लस प्लस, राइट। नाउ सेव इट एंड रन इट। सो यू विल सी एंटर 5 नंबर्स 12, 23, 44, 45, 56। तो यू कैन से नाउ इट इज स्विंग एवरी नंबर प्रॉपरली। सो दिस इज हाउ वी कैन डिस्प्ले ऑल दिस नंबर्स, राइट। तो ये एक तरीका हो गया कि आपने इस बेसिक तरीके से अपना जो है काम कर लिया। अब यहाँ पर इसी प्रोग्राम को आप चाहो तो किस में कन्वर्ट कर लो, आपके सी में कन्वर्ट कर लो। मैंने ये डिक्लेयर कर दिया, मैंने यहाँ पे जस्ट कर दिया आपका क्या, यहाँ पे सिर्फ कर दिया प्रिंट एफ और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको बंद और यहाँ पे मैंने कर दिया क्या, यहाँ पे सिर्फ स्कैन एफ आपने करना है। सो जल्दी से मैं स्कैन एफ कर देता हूँ क्या परसेंट डी और यहाँ पे मैंने कर दिया एक्स आई। सो ये मेरा प्रोग्राम हो गया इसके लिए। और यहाँ पे अगेन मैं क्या कर देता हूँ, बिकॉज आई एम यूजिंग पॉइंटर सो आई कैन राइट प्रिंट एफ। सो यहाँ पे मैं कर सकता हूँ परसेंट डी और ये हो गया मेरा कॉमा डाल के काम ख़त्म, ठीक है। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रिंट एफ देना पड़ेगा। सो आई विल राइट प्रिंट एफ। सो ये मैंने कर दिया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। नाउ सेव इट एंड इसके बाद में इसको आप रन करके देखिए, देखिए क्या बोलता है ये। तो दिस इज इन योर सी लैंग्वेज। सो ओके, यहाँ पे एरर दिखा रहा है। सो ये करेक्ट किया मैंने, नाउ रन इट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट इज़ रनिंग सक्सेसफुली 12, 23, 34, 45, 56। सो इट इज़, यू कैन सी द रिजल्ट इज़ कमिंग प्रॉपरली। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पर जो है, इंस्टेड ऑफ जैसे मैंने यहाँ पे p इक्वल टू x किया या इसको नहीं भी करता हूँ, ठीक है ना। सो व्हाट कैन यू डू कि मैंने असाइन ना करते हुए यहाँ पे सी आउट p के पहले क्या कर दिया, यहाँ पे आई कैन राइट सपोज माय पॉइंटर कि दूसरा तरीका ये है कि यहाँ जो स्टार पी, यू नो वेरी वेल कि एक्स एरे जो होता है दैट इज़ आल्सो कांस्टेंट पॉइंटर। सो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पर आप क्या कर दो, सीधे लिखो एक्स नेम ऑफ एरे प्लस कर दो क्या आई, दिस इज़ आल्सो अनदर वे। सो अगर आप ऐसा भी कर देते हो तो देखो क्या होता है, एंटर 5 नंबर्स 12, 23, 34, 45, 56। तो यू कैन सी एवरी थिंग इज़ कमिंग प्रॉपरली, सारे नंबर्स प्रॉपर आ रहे हैं। तो ये एक तरीका है। और या फिर आप यहाँ पे पॉइंटर भी ले लो तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो जैसा आप चाहें वैसा आप ले सकते हो, ठीक है। सो अगेन 1, 2, 3, 4, 3। सो यू कैन से, सॉरी मैं फिर से नंबर करता हूँ इसको, एंटर 5 नंबर्स 12, 23, 34, 45, 56।
ओके इट इज़ शोइंग वॉट द एड्रेसेस, सो मुझे क्या करना है यहाँ पे, नंबर्स को डिस्प्ले करना है, सो व्हाट विल आई डू, मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो इसमें ये अब जब हम रन कर रहे हैं तो एड्रेस कुछ भी अननोन वैल्यू क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने क्या किया, इस पॉइंटर को यहाँ पे असाइन नहीं किया किसको, एक्स को। सो हमें क्या करना पड़ेगा, पी सॉरी पी इक्वल टू व्हाट एक्स, नाउ इट इज़ ओके। सो दिस इज़ अनदर वे, नाउ यू टाइप एंड सी द रिज़ल्ट। सो यू विल सी कि यहाँ पर जो है आपका वैल्यू, आप टाइप करो 1 देन 2 देन 3 देन 4 देन 5, देन यू विल सी द आंसर इज़ कमिंग प्रॉपरली, राइट। सो दिस इज़ वन वे। अब इसके अलावा एक और तरीका हमारे पास हो सकता है, वो क्या है वो भी देख लेते हैं। तो तीसरे तरीके में क्या है, फिर से जैसे आपको पता ही है कि आप यहाँ पे क्या कर लो, सी आउट ले लो। मैंने क्या किया था पिछली बार, मैंने बोला स्टार ब्रैकेट में लिया एरे का नाम, प्लस क्या कर दिया था यहाँ पे, आई कर दिया था, ठीक है। सो अभी ये क्या हो रहा था कि इसको रन करने से हमारा रिजल्ट प्रॉपर आ जा रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, दिस टाइम व्हाट विल आई डू कि मैं यहाँ पे एड्रेस कर देता हूँ किसका, एक्स 0 का, और उस एड्रेस में मैं आई को ऐड कर देता हूँ, और इसको क्या कर देंगे हम, डीरेफरेंस कर देंगे ना। अगर आप इसको ऐसा भी करते हो तो देन यू विल सी कि आपको यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक और डाल दिया 3, तो यू विल सी 1 2 3 45 एंड 3, एवरी नंबर इज़ कमिंग प्रॉपरली। सो दिस इज़ हाउ वी कैन वर्क विथ व्हाट, डिस्प्लेइंग द कंटेंट ऑफ एरे यूजिंग पॉइंटर्स। तो इसके बहुत सारे दो अलग अलग तरीके हैं, जो आपको ठीक लगे आप उसको यूज़ करके वर्कआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोग्राम, एंड मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में पॉइंटर के बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ फिर से। चलिए तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।